वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीप्ति एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो अपने इस चैनल पर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करती आई हूँ, जैसे कि किचन हॉल हो गया, फैशन से रिलेटेड बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स, एंड उसके अलावा मैंने कुछ कुर्तीज़ एंड साड़ी का भी हॉल किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके प्रीवियस वीडियोज़ को चेकआउट कर लीजिए, हो सकता है आपके कुछ काम आ जाए। एंड आज का वीडियो भी कुछ उसी से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि अभी सभी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है एंड अगर आप लोग अपने लिए कुछ परचेज करना चाहते तो ये बिल्कुल सही टाइम है। एंड आगे शादियाँ भी आ रही हैं तो हर एक फंक्शन के लिए, चाहे हल्दी हो, संगीत हो या फिर शादी वाला दिन यानी पार्टी हो, तो आप जो है अपने लिए साड़ीज वगैरह परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफी अच्छा डिस्काउंट है। तो मेरे पास ऑलरेडी जो साड़ियां हैं मैं उसका आपको रिव्यू करने वाली हूँ, जो मैंने मीशो से एंड फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी है। सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जितने में मैंने वो परचेज किए हैं, जिस सप्लायर से मैंने वो परचेज किए हैं और जिस तरह की क्वालिटी मुझे मिली है, आपको भी सेम वही क्वालिटी मिल जाएगी अगर आप नीचे दिए गए लिंक से उनको परचेज करते हो। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी सारी साड़ियाँ हैं। सो ये है सारी की सारी साड़ियाँ। इनमें से मैं आज कुछ आपके साथ रिव्यू करूंगी एंड फिर दूसरा वीडियो मैं कल लेकर आऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट साड़ी की तरफ, जो मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट है। एंड सो गाइस, फर्स्ट साड़ी है ये वाली। इसका रिव्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ एंड यहाँ पर एक गाना आया था, उत्तराखंड में एक गाना आया था गढ़वाली लैंग्वेज में, पहाड़ी सॉन्ग जिसे आप कह सकते हो। मैं यहाँ पे उसका वो डाल दूंगी लिंक, तो आप देखना। उसमें जो एक्ट्रेस है ना, उसने ना एग्जैक्टली ये वाली साड़ी पहनी हुई थी और जब मैंने वो वाला सॉन्ग देखा, मुझे इतनी सुंदर लगी ये साड़ी, मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर मैंने इसको ढूंढना स्टार्ट किया कि मुझे ये कहीं तो मिलेगी। और एक हमारी वेबसाइट है ना मीशो, जिसमें कहते हैं ना कि आपको कुछ भी मिल जाएगा, कुछ भी, तो वहाँ पर मुझे ये साड़ी मिली थी। और हालांकि इस साड़ी आपको दूसरी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, बट मैंने ये मीशो से परचेज़ की थी उस टाइम पर। एंड इसका जो प्राइस था, वैसे तो लिंक नीचे डाल दूंगी तो आप देख लेना, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 230 रुपीस की मैंने साड़ी खरीदी थी, 230-240 बस, सिर्फ इतने की। एंड ये मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट साड़ी, ये बहुत शिफॉन है इसका। और जैसे कि अगर आप न्यू हैं एंड अगर आपको साड़ी लगाने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मुझे भी होती है, मुझे साड़ी लगाने में, मेरे से साड़ी एकदम अच्छे से नहीं लगती है, तो उस हिसाब से ये वाली साड़ी बहुत अच्छी है। एंड क्योंकि मैंने उस एक्ट्रेस को ये पहने हुए देखी थी तो मेरा बहुत मन किया कि मुझे साड़ी ऑर्डर करनी है। तो यहाँ पर लिंक होगा उसका, तो आप भी वो वाला सॉन्ग देखना तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह की कुछ ये साड़ी है, ये इसका प्रिंट है, ये देखिए। एंड काफ़ी लंबी चौड़ी ये साड़ी है, काफ़ी लंबी चौड़ी। तो मैं आपको पूरी साड़ी दिखा देती हूँ एंड बहुत प्यारा ये लुक देती है गाइज। आप इसे खुद भी पहन सकते हो, गर्लिश, एकदम गर्लिश वाला लुक भी देगी। लेकिन अगर आपको अपनी मम्मी को गिफ्ट करना है तो आप उन्हें भी कर सकते हो, मदर इन लॉ को भी कर सकते हो, मतलब इसको कोई भी पहन सकता है, चाहे वो मैरिड हो या नहीं हो या फिर उसकी ज़्यादा है, जो कोई भी पहन सकता है इसको। इतनी प्यारी ये साड़ी है एंड लगाने के बाद तो बहुत सुंदर लगती है। अभी मैं आपको इसे लगा के दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसा लुक दे रही है। काफ़ी लंबी चौड़ी साड़ी है तो बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी गाइज। ये है इसका ब्लाउज, इसका ब्लाउज का पीस था, लेकिन मैंने ये वाला ब्लाउज नहीं बनवाया, क्योंकि मैंने तो एक ऑनलाइन ब्लाउज ले लिया था एंड फिर मैंने उसी को इसके ऊपर पहना। तो ये इसका ब्लाउज है, तो अभी मैं आपको कैरी करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसी लग रही है, तो आप वीडियो में देख लेना। अब मैं आपको दिखाऊंगी सेकंड साड़ी, जो कि आपके हल्दी वाले फंक्शंस में बहुत ज्यादा काम आने वाली है एंड बहुत ही प्यारी साड़ी, बहुत ही बजटेड। तो वो है ये वाली साड़ी एंड ये तो मेरा, आपको पता ही है जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं कि ये मेरा फेवरेट कलर है मस्टर्ड। एंड ये वाली साड़ी जैसे हल्दी का फंक्शन हो या फिर कोई पूजा हो, है ना, इस तरह का कोई भी फंक्शन हो, उसमें ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आप नवरात्रि में अपने लिए कोई साड़ी देखना चाह रहे हैं तो आप ये वाली साड़ी ज़रूर परचेज़ करिएगा। इसमें और भी बहुत सारे कलर्स हैं बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये मस्टर्ड कलर है एंड ये बहुत काम आ जाता है हर किसी फंक्शन में। तो लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। मैं और साड़ीज़ के लिंक भी वहाँ पर डाल दूँगी तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कॉटन मटेरियल में है, मिक्स कॉटन है ये साड़ी, तो इसलिए भी ये काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड अगर आप स्कूल में टीचर वगैरह हैं तो भी आप इस वाली साड़ी को कैरी कर सकते हो, क्योंकि एक सिंपल सोबर एंड काफ़ी अच्छा लुक देती है। अगर स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो इस तरह से इसमें ये वर्क हो रखा है गाइज, ये बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला वर्क।
ये पूरी साड़ी में है, ये देखिए बहुत प्यारा इसका भी कपड़ा है, ये भी बहुत इजीली लग जाती है एंड ये भी काफ़ी लंबी चौड़ी साड़ी है। इस साड़ी के ऊपर मुझे रेड कलर का ब्लाउज पहनना बहुत पसंद है क्योंकि ये मस्टर्ड है तो रेड से काफ़ी खिल कर आती है ये साड़ी बाहर। और ये इसका पल्लू है, तैरी करके दिखाती हूँ ताकि आपको फुल लुक समझ आ जाए कि ये साड़ी दिखने में कैसी है एंड कैसी लगती है। एंड जिस ब्लाउज़ के ऊपर मैं इसे कैरी करूँगी वो भी मैंने ऑनलाइन मंगाया, लेकिन ब्लाउज़ के जो हॉल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस तरह की ये साड़ी है एंड ये हल्दी फंक्शन या पूजा या कोई कथा उसके लिए बहुत काम आती है साड़ी, तो इसको तो ज़रूर चेकआउट करिएगा गाइज। वाली साड़ी ये ग्रीन कलर की साड़ी है एंड इसका बॉर्डर कुछ इस तरीके का है। इस तरह की साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, एकदम सिंपल साड़ियाँ एंड किसी अच्छे से ब्लाउज के ऊपर कैरी कर लो, डिज़ाइनर ब्लाउज के ऊपर सिंपल साड़ियाँ तो बहुत अच्छा लुक देती हैं और कैरी करना भी इजी रहता है। तो ये है इस साड़ी का, पूरी की पूरी साड़ी सिंपल है, ये है इसका कंप्लीट लुक एंड ये है इसका बॉर्डर। ये देखिए ये इसका बॉर्डर है एंड सिल्वर कलर के ऊपर इसका ब्लाउज़ आया था, लेकिन मैं इसे किसी दूसरे ब्लाउज़ पे कैरी करती हूँ तो वो मैं अभी आपको कैरी करके दिखाऊंगी। वैसे तो इसके साथ मुझे रेड काफ़ी अच्छा लगता है, सिल्वर भी है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं आपको दोनों के ऊपर कैरी करके दिखाऊंगी। एंड ये भी काफ़ी काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है ये साड़ी। कुछ ऐसा है इसका लुक, आप देख सकते हो वीडियो में एंड ये बॉर्डर बहुत अच्छा लगता है। सो इस साड़ी को भी मैं आपको कंप्लीट वेयर करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसी लग रही है, ओवरऑल लुक कैसा है इसका। तो ये भी छोटे मोटे फंक्शन के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। सभी प्राइसेस, सभी साड़ी के प्राइसेस गाइज अंडर बजट है बहुत ज़्यादा एंड क्योंकि इस वक्त तो वैसे भी डिस्काउंट चल रहा है तो अब तो आपको ये और भी ज़्यादा सस्ती मिल जाएंगी। ये भी काफ़ी अच्छी है, अभी मैं इसको आपका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। अब मैं जो आपको साड़ी दिखाने जा रही हूँ वो भी इस हॉल की मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी है एंड इसमें आपने मेरे कुछ शॉर्ट्स पहले भी देखे होंगे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे एंड न्यू सब्सक्राइबर्स तो अभी देख पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी साड़ी है, ये भी आपको बहुत सारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, बट मैं नीचे लिंक डाल दूंगी जहाँ से मैंने खरीदा है ताकि आपको डायरेक्टली उसी तरह का मटेरियल मिले एंड उसी सेलर से मिलेगा, तो इस चीज़ की श्योरिटी रहेगी। तो ये वाली साड़ी शायद आप में से काफ़ी लोगों ने देखी होगी एंड इसका प्रिंट वाव, ये वाली साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इस तरह की साड़ियाँ जो सॉफ्ट सिल्क होती हैं एंड एक शाइन भी आता है जिसमें बहुत अच्छा सा शाइन पहनने के बाद मतलब काफ़ी रिच लुक देती है, ऐसे लगता नहीं है कि आपको मतलब आपने ये इतने सस्ते में खरीदी है। तो ये है वो साड़ी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड बीच में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आई थी एंड नेक्स्ट दोबारा से अब आने लग गई है, शायद अब तो ये इन स्टॉक है, तो आप लिंक पर क्लिक करके देख लीजिएगा। ये बहुत सुंदर लगती है पहने में बहुत, और इस पे इसका जो प्रिंट है कुछ इस तरह का, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला, ये देखिए इसमें जो ये मोर एंड इस तरह का बना हुआ, ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। मैंने इसे बहुत सारे फंक्शंस में पहनी है क्योंकि इसको कैरी करना बहुत आसान है, काफ़ी लंबी चौड़ी साड़ी है, ये देखिए आप, ये है इसका पल्लू, इस तरह की ये साड़ी है इसका पल्लू एंड बाकी जो है ये नीचे इस तरह से आएगी।
पूरी साड़ी पे सेम प्रिंट है, लेकिन बहुत सुंदर लगती है ये। मैंने इसके साथ इसी जो इस साड़ी के साथ ब्लाउज आया था वही मैंने स्टिच कराया, और उसके साथ ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है। इस टाइम पे ये वाली साड़ी आई थी, काफ़ी सारे लोगों ने परचेज की थी, इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी, एंड बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी। मतलब इसे भी कोई भी पहन सकता है, एज का भी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका कलर काफ़ी अच्छा है, सिंपल सोबर सा, तो कोई भी पहनेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। तो अब मैं आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। मैंने आपको सभी साड़ियों के रिव्यूज दे दिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सभी साड़ियों के लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। और सभी साड़ियों के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, मतलब हर साड़ी के अंदर 5 से 6 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, तो आपको उनमें से कोई कलर अच्छा लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने लिए परचेज कर लीजिएगा, ऑर्डर कर लीजिएगा। एंड अभी क्योंकि सेल है तो आपको ये साड़ियाँ और भी कम दामों में मिल जाएंगी, और अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक होगा तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा कार्ट में या विशलिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वो इन स्टॉक होगा तो आप उसे तुरंत परचेज कर लें। एंड पूरे हॉल में आप मुझे ये भी बताना कि सबसे अच्छी वाली साड़ी आपको कौन सी लगी। वैसे जो इस तरह के स्टफ होते हैं ये मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट जिसे कह सकते एकदम सॉफ्ट शिफॉन वाली साड़ियां हैं, एंड ये बिल्कुल ऐसे लग जाती हैं, एंड ये पहन के भी काफी खूबसूरत लगती हैं, एकदम आपको उसमें स्लिम वगैरह स्लिम दिखाती हैं। तो इस तरह का कपड़े भी मुझे काफ़ी पसंद है, बट आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर कर लीजिएगा, और हर एक फंक्शन के लिए भी ये कैरी करना बिल्कुल ईजी है। सो मुझे भी कमेंट्स में बताइएगा आपको कौन सी वाली साड़ी सबसे अच्छी लगी। सो चैनल पर नए हैं तो उससे पहले भी मैंने जो रिव्यूज़ करे हैं प्रोडक्ट्स के एंड साड़ीज़ के, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके थोड़ा भी काम आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।